पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, उससे सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को होगा पहला, तो पहला आदिवासियों को। झारखंड यानी वो धरती जिसकी मिट्टी अन्याय के खिलाफ बगावत है, वो धरती जो स्वभाव से तो सरल है लेकिन आन पर आ जाए तो शान से कुर्बान हो जाए। बागी सिद्धो कहानो और जयपाल सिंह मुंडा की कर्मस्थली, परमवीर अल्बर्ट एक्का की जन्मस्थली और देश की खनिज संपदा का बड़ा भंडार। आज देश के इस राज्य की बात इसलिए क्योंकि चंद महीनों बाद यहां भी विधानसभा चुनाव है और अभी आप नेताओं की जुबान से जो शब्दों के शोले सुन रहे थे, ये उसकी तपिश महसूस कराने के लिए काफी है। जोहार, मैं अदिति नागर आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में झारखंड की सियासी बिसात के हर मोहरे और चेहरे से आपको वाकिफ कराऊं। मैं बताऊंगी आपको आज लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ 9 सीटें जीतकर भी बीजेपी की मुश्किलें इस राज्य में कितनी बड़ी हैं, क्यों बड़ी है और कैसे बीजेपी उनसे पार पाने, उन मुश्किलों से उबरने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बताऊंगी आपको झारखंड की सियासी बनवास और फिर एक बार ताज पहनने के बीच झारखंड की सियासत कितनी बदल चुकी है। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले हेमंत सोरेन की ये बातें सुननी चाहिए। बहुत लंबा कैबिनेट चला, निर्णय लिए गए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये निर्णय राज्य के लिए मिलकर चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी की बात, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानवी मुंडन गुड़ी और अन्य लोग, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे हेमंत सोरेन ने ये बातें कैबिनेट बैठक के बाद कही थी। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया ताकि झारखंड की सियासी हलचल की बारीकी को आप अच्छे से समझ सकें। मतलब साफ है कि झारखंड के चुनाव में भी किसान, महिला सम्मान, पारंपरिक ग्राम प्रधानों का वेतन जैसे तमाम मुद्दे कितने अहम होने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। उनमें से किसानों का 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का मुद्दा, मुफ्त बिजली का दायरा 200 यूनिट करना और बिजली बिल माफ करना, और खासतौर पर गलत बिजली बिल माफ करने जैसे, और खास तौर पे माइया सम्मान योजना, ये तमाम वो बातें हैं जिसके तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं, जिस योजना का मैं आपसे जिक्र कर रही हूं माइया सम्मान, इसमें 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए आर्थिक मदद भी शामिल है। आपको मुद्दे इसलिए बताने जरूरी है कि किस पिच पर अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद खेलने वाले। अब देखिए, झारखंड सरकार का दावा है कि इससे 40 से 50 लाख महिलाओं को सीधा फायदा होगा। और याद होगा आपको कि महिलाओं की राजनीति में तो कई लंबे समय से नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान खेल रहे हैं, और महिलाओं का ये मुफ्त की बात करना, महिलाओं के सम्मान की बात करने में भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी का वोट बैंक साध रही थी, और अब हेमंत सोरेन भी उसी पिच पर निकल गए। हेमंत सोरेन की सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है और इसीलिए इसका प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से
किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर 4 से 5 अगस्त को हेमंत सोरेन ने इस योजना से जुड़े करीब 26 पोस्ट किए, और इतना ही नहीं, लाभार्थियों की लिस्ट बनाने के लिए जो कैंप लगे हैं उसकी मियाद भी 10 अगस्त से बढ़कर अब 15 अगस्त कर दी गई है। यानी हेमंत सोरेन चाहते हैं कि चुनाव के ऐलान से पहले इस योजना का इतना प्रचार प्रसार हो कि लाभार्थियों की संख्या बड़े, जिसे वोटर बैंक के लिहाज से बड़े वोटर संख्या के लिहाज से बढ़ जाए। और फिर वही बात, लाभार्थी वोट बैंक जिसका फॉर्मेशन और जिसका जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी, एक नए वोट बैंक की शुरुआत का जिक्र करते थे वो लाभार्थी, उसी पिच पे एक बार फिर हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन की मंशा साफ है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले कुछ यही किया और जिसका असर नतीजों में आपने साफ देखा, और उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ऐसा कर चुकी है, और अब हेमंत सोरेन भी उसी राह पर है। यानी हेमंत अपने तर्कश में से हर तीर चला रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि उन्हें जेल भेजने के पीछे भी साजिश थी, सिंपैथी वोट, और इसके नाते खास तौर पर आदिवासी वोटर्स को वो अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वही आदिवासी वोट जो प्रदेश में 27% है और पिछले कुछ चुनाव में एकजुट होकर हेमंत सोरेन के साथ खड़ा नजर आया। अब इस चुनावी समर में हेमंत सोरेन के साथ है कांग्रेस, CPIML और RJD, और RJD के साथ साथ अब ये जो सियासत की ये चौकड़ी जो है, झारखंड में 40% से ज्यादा वोट बैंक पर अपना असर साफ तौर पर रखती है, या यूं कहें अगर उनके साथ आप ऑफ रिकॉर्ड बैठेंगे तो वो ये साफ बोलते हैं कि हमारा तो वोट बैंक ही 40% से शुरू होता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब 40% क्या है आपको ये बताते हैं, माना यही जाता है कि झारखंड में 26% ST यानी अनुसूचित जाति आदिवासी लोग हैं, जबकि मुसलमान करीब 14%, यानी अगर 26 और 14 को आप मिला लें तो वो 40% है जिस पर सत्ता वाली पार्टी अभी अपना कब्जा मान रही है। लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक है OBC का, 40% छोड़ दे तो 50% से ज्यादा वहां पर OBC वोट बैंक है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, और यही वजह थी कि जो लगभग 14 साल से ज्यादा आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे पैटर्न को बदलकर रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था, और जो ये बचा हुआ 50% से ज्यादा या यूं कहे 60% वोट बैंक है उस पर सीधे सीधे उनकी पकड़ बनाने की मंशा थी। अब आपको बता दें एक बार फिर कि हम बात कर रहे हैं उस 50% वोट बैंक की जो OBC जातियों का है, जिसमें करीब 50% जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ, OBC की जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी जाति लोग हैं, कुर्मी से आते हैं, इसके बाद बनिया हैं, फिर यादव वोटर्स हैं, तो वहीं कुशवा, कुम्हार, लोहार जैसी OBC समुदाय की जातियां भी, और OBC की जातियां एकजुट होकर वोट करें अगर तो किसी भी सियासी दल का समीकरण बदल सकती है, और शायद इसी की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो इस 50% को एकजुट कर पाए तो उसको सत्ता की कुर्सी से दूर कोई नहीं कर सकता, और इसी में भारतीय जनता पार्टी आजसू पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब इसी गेम में BJP भी अच्छी तरह ये समझ रही है कि उसको एकजुट रखना है अपने उस 50% वोट बैंक। देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको आगे बताना चाह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज फिलहाल इस घड़ी में जो चुनाव होने वाले हैं झारखंड में अपने आप को इतना मजबूत कैसे मान रही है। BJP के लिए एक बड़ा सबक तो था ही लोकसभा चुनाव, लेकिन फिर भी BJP ने इसमें से भी अपने लिए एक उम्मीद की किरण ढूंढ ली। BJP मान रही है कि बेशक लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें कम हुई हैं, लेकिन विधानसभा में उसकी बढ़त कम नहीं हुई। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को 8 और सहयोगी आजसू को 1 सीट मिली, लेकिन ये 9 सीटें 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में 52 सीटों पर बढ़त दिखाती हैं। मतलब कि BJP का ये मानना है कि वो अभी भी
81 सीट्स वाली जो विधानसभा है उसमें से 52 सीट्स में अपनी पकड़ है और लोकसभा चुनाव में भी बढ़त थी। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 52 सीटों पर दावेदार, जीत का दावेदार मान रही है। तो बीजेपी के थिंक टैंक नहीं, थिंक टैंक तो जो दिल्ली में बैठे हैं, आला कमान है, ये तो मान ही रहे हैं। साथ ही झारखंड के प्रभारी यानी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा भी यही मान रहे हैं और लगातार इसका ही जिक्र कर रहे हैं कि ये मनोवैज्ञानिक, इसको साइकोलॉजिकल बढ़त आप मान सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त मान सकते हैं कि पार्टी झारखंड में इस तरह से आगे बढ़ेगी क्योंकि लोकसभा के नतीजे 52 सीटों पर बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान सही पर मनोविज्ञान और जमीनी हकीकत में अक्सर बड़ा अंतर कर देती है और यह अंतर बीजेपी के लिए भी झारखंड में राजनीति की राहें रपटीली बनाने वाला है। अब समझिए वो कैसे। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह तो छिपी है लोकसभा चुनाव के नतीजों में, जिसको लेकर बीजेपी उत्साहित है। खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, दुमका, राजमहल और ये सभी लोकसभा की वो 5 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति मानी जाती हैं, यानी एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। इन 5 सीटों के भीतर विधानसभा की 29 सीटें शामिल हैं और बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि इन 5 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2019 में बीजेपी सिर्फ राजमहल और सिंहभूम की सीट पर हारी थी। मतलब साफ है कि आदिवासी वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पूरी तरह से छिटका है। 2019 में जहां बीजेपी को झारखंड में 50.96% वोट मिला, यानी 50.96% वोट मिला, वहीं 2024 में बीजेपी छिटक कर या नीचे गिरकर 44.60% वोट पर आ गए। जबकि अब कांग्रेस का जिक्र करते हैं, 2019 में क्या था, केवल 15.63%, जिसके मुकाबले अब 19.19% और जेएमएम को 11.51% के मुकाबले 14.60% वोट ही मिल सका। झारखंड की राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व वाले काल में सीएनटी एक्ट में संशोधन करने के बाद बीजेपी विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाई। अब सीएमटी क्या है, ये देखिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये जमीन को लेकर है और विपक्ष ने जल, जिसे बोलते हैं जमीन, जल, इन तमाम जंगल, इनको लेकर ये बात उठाई कि ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास जिनकी जमीन है, जिन आदिवासियों की जमीन है, वो छीन लेना चाहते हैं। ये नैरेटिव सेट किया गया और उसके बाद ये काउंटर बीजेपी नहीं कर पाई। जेएमएम ने इसे आदिवासियों की जमीन पर हमला बताया और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण और संविधान खत्म करने जैसे मुद्दों का भी आदिवासी समाज के बीच अच्छा मैसेज नहीं गया। कहीं ना कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह की बात एक बार फिर मैसेज बनकर वहां पर हावी हुई, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में आपने देखा, बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब यहां आपके लिए ये समझना जरूरी है कि सीएनटी एक्ट क्या है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। दरअसल सीएनटी यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो अंग्रेजों ने 1908 में बनाया था। इसका मकसद क्या था, आदिवासियों की भूमि की रक्षा करना और इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू के क्षेत्र को शामिल किया गया। बाद में सीएनटी यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में भी शामिल किया गया। अब इन एक्ट की धारा 46 और 49 आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को नियंत्रित करती है। इसकी धारा 46A के तहत आदिवासी भूमि किसी आदिवासी को ही हस्तांतरित हो सकती है। इसके लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता भी रखी गई, किसी एक थाना क्षेत्र का कोई आदिवासी भी दूसरे थाना क्षेत्र के किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता। ये तो सुरक्षा का मसला था उनकी जमीन का, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए भूमि का मालिकाना हक ट्रांसफर किए बिना
गैर आदिवासी को भी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला लिया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया और जमीन पर या आदिवासियों की जमीन पर खतरे का डर जेएमएम ने खड़ा कर दिया और बीजेपी को इसका खामियाजा जबरदस्त उठाना पड़ा। अब बीजेपी के लिए लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी यह चुनौती बनी रहेगी। हालांकि बीजेपी ने काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा जो लगातार वहां घूम भी रहे हैं, को आगे करके पार्टी ने एक तरह से झारखंड में वोटर का एक बड़ा मैसेज दिया। कैसे? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो महिलाओं की पसंदीदा है, उनको महिलाओं की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कहा जाता है और जिसकी वजह से वो एमपी में पॉपुलर है मामा के नाम से। और दूसरी ओर हेमंता, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा या न्यू पोस्टर बॉय कहा जा सकता है, उस तरह से वो उभर चुके हैं। और बीजेपी की रिक्वायरमेंट एट दिस आवर यही है कि वो हिंदू वोट बैंक को एकत्रित कर सके। आदिवासी को छोड़ देते हैं, जो बचा हुआ ओबीसी वोट बैंक है उसको कैसे एकत्रित किया जाए, जिसमें हेमंता लगातार झारखंड में घूम रहे हैं और अब आने वाले समय में और उनके दौरे तेज होंगे। अब जाहिर है शिवराज सिंह का चौहान आगे बीजेपी झारखंड के महिला वोटर्स को संदेश देगा, वहीं दूसरी हेमंता का चेहरा के जरिए हिंदुत्व की बिसात भी बिछाई जा रही है। अब डेमोग्राफिक का दंगल भी इसी योजना की कड़ी है। संथाल परगाना के कई इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। यानी कि एक तरफ तो जेएमएम लगातार ये कह रही है संविधान बदल दिया जाएगा, आपकी जमीन खतरे में है, इमोशनल स्ट्रैटेजी करी जा रही है कि मेरे को जेल भेजा गया, बीजेपी पर वार। तो वहीं बीजेपी ने भी वार तैयार किया है। बीजेपी ने कहा है डेमोग्राफिक चेंज होगा और इन्फिल्ट्रेशन होगा, लोग घुसेंगे आपकी बॉर्डर से, इन सब का डर। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी जो मसला मैंने आपको बताया संथाल का, उस मसले पर चिंता जताई। और दूसरी ओर निशिकांत दुबे और हेमंत विश्व शर्मा लगातार इसको लेकर हेमंत सोरेन की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर दूसरा बड़ा मुद्दा जो जेएमएम या सरकार के ऊपर है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज। ये बीजेपी का बड़ा वार है, लोगों तक घर घर तक ये पहुंचाना कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहां होगी, डेमोग्राफिक चेंज होगा, जो आपके हितों के लिए, आपके सुरक्षा परिवार के लिए ठीक नहीं है, इस राज्य के लिए ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है जो जेएमएम को बैकफुट पर लेकर जाएगा। बीजेपी ऐसी रणनीति बना रही है। बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल परगाना में बदल रहे डेमोग्राफिक पर कड़े कानून बनाने के संकेत लेकर आ रही है। देखिए, बीजेपी का दावा है कि हर साल कई इलाकों में 3 से 3.5% तक वोटर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस तरह 5 साल में 15% तक की वृद्धि होगी, मगर कहीं ना कहीं 2 गुना से अधिक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार आई तो संविधान सम्मत जो कुछ भी कानून बने होंगे वो बनेंगे। बीजेपी डेमोग्राफिक चेंज का ये मुद्दा आदिवासी समाज के बीच लेकर ये मैसेज देना चाहती है कि हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने देकर आदिवासियों के हितों पर प्रहार कर रही है। वही बात दूसरे तरीके से हेमंत की सरकार बीजेपी पर कर रही थी और अब इसी का पलटवार बीजेपी कर रही है। तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेता बाहरी यानी कि दीकू का मुद्दा उछाल रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा कांग्रेस और आरजेडी को असहज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जेएमएम जिन्हें बाहरी या दीकू बताता है वो दरअसल बिहार के वो लोग हैं जिनके दम पर आरजेडी सीटें जीतने की उम्मीद और दावा करती है, और इसका असर झारखंड के मिथिलांचल यानी गोडा, साहिबगंज, दुमका, देवघर और पाकुड़ के अलावा कोल्हान के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के बिहार से आए लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। आप समझ रहे हैं कि दोनों तरफ से पूरी लिस्ट तैयार है कि कैसे दोनों को बैकफुट पे करना है, पक्ष विपक्ष को और विपक्ष पक्ष को। और ये तमाम वो मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं और जनता के जीवन से जुड़े मुद्दे। देखिए, विधानसभा की इस लड़ाई में बीजेपी की चुनौती चेहरे की सबसे ज्यादा है। ये एक बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, चेहरे की लड़ाई। ये बात अलग है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव होगा,
लेकिन वहां का लोकल चेहरा अब आप समझिए। रघुवर दास को राज्यपाल बनाने के बाद ही बीजेपी बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में झारखंड की राजनीति सेट कर रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक चूक रही या कहीं ना कहीं उस लीडरशिप की चूक रही कि बड़ा झटका बीजेपी को लगा। दूसरी ओर अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट हार गए, यानी तीन चेहरे, एक रघुवर दास जो गवर्नर बन गए, दूसरे बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन संगठन अभी उतना उत्साहित नहीं है, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं, और तीसरे अर्जुन मुंडा जो आदिवासी हैं लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। अब इन दोनों, दो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के चेहरे के बाद भी आदिवासी वोटर बीजेपी के पास नहीं आए, ये साफ नजर आया। अब बीजेपी लोकसभा में धराशायी हुई, कई दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में फिर भी मौका देने की तैयारी में है, जैसे कि पार्टी ने राजस्थान और एमपी में किया था। आपको याद होगा कि कैसे सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। अब ऐसे में यहां पर भी कई ऐसे प्रयोग किए जाएंगे, विधायकी लड़ाई जाएगी, यहां हारे हुए नेताओं पर फिर से एक बार दांव लगाया जाएगा, और इस सियासी संग्राम में गेम चेंजर के तौर पर जयराम महतो की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बता दिया कि जयराम महतो झारखंड में कुर्मी वोटर्स के बड़े दावेदार बन चुके हैं, यानी कि आजसू पर भी एक तलवार लटकी है। अगर जयराम महतो ने जिस तरीके से लोकसभा में भले ही चुनाव नहीं जीता लेकिन बड़े संख्या में वोट बटोरे हैं, पर यह सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है या आजसू के लिए नहीं है, ये उतनी ही चुनौती जेएमएम के लिए भी है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं जयराम महतो कुर्मी वोटर्स के बड़े दावेदार, जिस पर अब तक सुदेश महतो अपना अधिकार समझते आए थे। जयराम लोकसभा चुनाव में हार कर भी हीरो बन चुके हैं। गिरडी लोकसभा सीट पर जयराम बेशक तीसरे नंबर पर आए लेकिन उन्हें करीब 3.5 लाख वोट मिले। लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर्स के दबदबे वाली सीटों पर जयराम महतो ने दमदार मौजूदगी दिखाई। गिरडी, धनबाद, हजारीबाग और रांची कोडरमा सीट पर उनकी पार्टी की मौजूदगी साफ दिखी, और इसीलिए वो एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है, क्योंकि अब तक आजसू और जेएमएम ही स्थानीय वोटर्स पर अपना अधिकार मान बैठे थे, पर जयराम महतो वोटर्स को तीसरा विकल्प दे रहे हैं। तो जाहिर है कि झारखंड का सियासी स्टेज अब किसी एक का मोहताज नहीं, यहां सभी के लिए विकल्प खुले हैं, और इसीलिए सभी को चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि झारखंड की राजनीति दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन की विरासत से आगे निकल चुकी है। तो दूसरी ओर मुंडा मरांडी के चेहरे भी उतने दमदार नहीं रहे, इसीलिए इस मंच पर जनता का पंच ही आखिरी पंच होगा, और अब यह इस राजनीति से साफ समझा जा सकता है।